बहुत सारे विरोधी धिर के नेतागण ते सत्ताधारी पार्टी वालों बोले और ज्यादातर उन्होंने इस मते की प्रोड़ता की है, स्वागत किया, हक च उन्होंने कहा, कुछ सुझाव भी दिते ने। सो इस गल लई मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा विरोधी पार्टी का, खास तौर पर कि तुसी मेरा हौसला बढ़ाया इस गल च, क्योंकि लड़ाई यह किसी सरकार की नहीं, लड़ाई यह किसी इंडिविजुअल की नहीं, यह लड़ाई अपनी सारे की है। पंजाब बहुत बारी डिग्या है पर पंजाब बहुत बारी उठा भी है। जिन्ने धाड़वी आते दिल्ली लुट्टन, सब तो पहला साडे बजुर्गों नाल उन्हां दा मुकाबला हुंदा सी। एक बारी जाण वेले, एक बारी दिल्ली लुट के जो आते उस वेले, सो साडे खून दे विच अपने हक्कां प्रति जागरूकता है, साडे जीन्स दे विच है। पार्लीमेंट दे जदों पंजाब ते कोई बहस चलती सी तां मैं बोलता रहा, चाहे एक मिनट मिलता सी, दो मिनट मिलता सी, मिलते सी। पर जे आपां देखिए कि जिहड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्ने भी स्टेटा ने, तमिलनाडु है, केरल है, जा उड़ीसा है, आंध्र है, जदों भी उन्हां दी कोई स्टेट की गल चलती सी, वो सारे जाने इकट्ठे हो जाते, सारे जाने इकट्ठे बैल च होंगे सी। चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो, आंध्र लई, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लई गल करनी हो, उस वे सारे इकट्ठे होंगे सी। मैनू बहुत इदा लगता सी कि असी क्यों नहीं होंगे यार इदा स्टेट लई इकट्ठे। मैं कहता रहा मेरे साथियों कि आओ यार इकट्ठे होके, वो नहीं यार साड़ी लाइन हो रहा है, थोड़ी लाइन हो रहा है। मैं यार इतने लाइन कादे वास्ते खिंचते हो, तुसीं पंजाब जाके लड़ लाँगे एक दूजे के विरुद्ध। एक बार की होया, तीन बंदे एक पिंड दे विच, आपो अपने घरों, एक पिंड दे विचालों, एक पिंड दे परले पासिओं, एक इधरले पासिओं, सवेरे सवेरे 4:30-5 बजे खेतों में जाने लई बाहर निकले, काली बोली नेरी आ गई। मेरी इन्नी जबरदस्त सी कि तीनों बंदे चक के एक खूह दे विच सिटते उस हवा ने। जदों दिन चढ़िया स्पीकर साहब, तां देखिया उन्होंने तिना नूं आपस दे विच, तीनों एक दूजे नाल बोलदे नहीं सी पिंड च, ऑबवियसली खूह च भी नहीं बोले, आकर अपनी रखी। हरेक नूं ये सी साडे घर दे आउणगे, मैनूं कढ लैणगे, रह जाणगे, तिन्ने ही सोचदे सी। कोई नहीं आया दुपहर तक, शाम होने आई लगी, जदों अगे रात आउंदी दिसी तां उन्हां चों इक ने कहा, कहिंदा यार चलो ठीक है, आपां एक दूजे नाल नहीं बोलदे, पर हुण आपां तिन्ने इकट्ठे हो के रौला रूला चीका चूका मार के केरां खूह चों निकल जाइए, बाहर जाके फिर नहीं बोलांगे एक दूजे दे नाल, एक वारी ये खूह चों तां निकलीए। सो जिहड़ा इह जिहड़ा साडे ते कुहाड़ा चल रहा है, साडे राज्यां ते, साडियां हक्कां ते, एक बारी सारे कट्ठे होके केरा इस कुहाड़े नूं खुंडा करिए, फिर आपदे जिहड़े मुद्दे ने उह कर लांगे। मैं तां तुहानूं पहले ही कहता कि जिन्ने दिन मर्जी हाउस रख लिया करो, इह कोई पहलां वाला काम थोड़ी है। तुसीं तां बाजवा साहब कहिंदे वी इक मुख्यमंत्री इहो जिहा सी जिन्हां दा मैं नां नहीं लैणा, हां लै इक मुख्यमंत्री दा नां ही मिटाता आपदी कांग्रेस ने लिस्ट चों। सो इहो जिहे भी तुहाडे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें तुसीं नां नहीं लैणा चाहुंदे सदन च, इसे करके तुसीं इधरले पासे आए हो, क्योंकि उन्होंने 4.5 साल उन्होंने 4.5 साल दरवाजे नहीं खोले। बाजवा साहब भी चिट्ठियां दरवाजे के थलों की बिल च बेल विच सिट के जाते रहे हैं, वो चाके सीधे डस्टबिन च मारते। चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखिया, चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखिया पर नहीं पढ़िया गई, की करिए। सो ये राज्यां दे अधिकार ने, इहदे वास्ते आपां नूं इकट्ठे होना पऊगा। साडी मनशा ते कोई शक ना करो, बीजेपी वाले उठे, मनशा पे शक है। मैं नागपुरी संतरे तो सुने सी, पर नागपुरी भाषण विधानसभा च पहली बारी सुने, उत्थों आउंदा इहनां दा भाषण नागपुर तों, ऐं बोलणा मजाल है कोई होर बोल जे कुछ गल, उहनां दे विचार देख लो।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ। 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੇ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1.5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ MP ਲੈਡ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਧਾਰੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਰੈਂਟ ਲਓ, ਇੱਦੂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮੁੰਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ 5-5, 10-10, 15-15 ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, BBMB ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਲਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। 5 ਆਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਣਕ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲਿਆਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਚੂਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੌਲੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਥੱਲੋਂ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 3800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਧਰਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, CM ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਬੋਲੋ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਛਪ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਬਸ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। CM ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
दोबारा फिर अगर इस तरह की इंटरप्शन की गई मैं सख्त एक्शन लैन लिए मजबूर होवांगा। लाद मारी निकले हुए बापू का हाल होंगे मैं मैनू नेम करना पड़ेगा अगर दोबारा इंटरप्शन की गई तो मैनू नेम करना पड़ेगा मैंबर साहब न जो सदन के नेता बोलते हैं तो कोई भी नहीं बोलेगा। अमन जी बैठो तुसी बैठो बैठो सारे सारे मैंबर सभा बेनती है बैठो जो सदन के नेता बोलते हैं तो कोई भी मैंबर नहीं बोलेगा। मंत्री जी बैठो राणा जी मैनू नेम करना पड़ेगा मैनू राणा जी कृपा करके तुसी बैठो मैनू नेम करना पड़ेगा। हाउस का डेकोरम बना के रखना हाउस का डेकोरम बना के रखना मैं सारे मैंबर सभा को बेनती करता कि बैठो सीएम साहब हेलो स्पीकर साहब मैं कह रहा सी पंजाब के हकों से हमेशा के अपने पंजाब के हकों से ट्रेजरी बेंच के मैंबर साहब को बेनती करता राणा साहब को कहता बैठो राणा जी दसो स्पीकर साहब दसो देखो पहली बार मुंडा बोल रहा उन्होंने बोलन नहीं दिता गया इंटरप्शन पा रहा एक मिनट सुनते लाओ तो बर्दाश्त करो चुप तक करा दो मैं गलत गल थोड़ी करूंगा बैठो मैं गलत गल करूंगा घटो घटे तो सिखा के लिया कि पहली बार बोलना की है वो मैं क्या जी जो नहीं बोलता वो नहीं बोलता उस करेते दिया खंड मिला बोल दिया ने खंड मिला को चोरी खंड मिला चोरी बैठो लहजा देखो बोलने वाला वो माफी मंगो ना जो गलत बोल रहे माफी मंगो सीएम साहब केयर वाल बड़ा मैंने मौका दो जी मैं सरदार इंद्र प्रताप सिंह नू नेम करता हां हुक्म करता हां कि वो सदन तो बाहर चले जान जो सदन की कार्रवाई निर्विघ्न चालू रहे मैं मार्शल को हुक्म दिना कि मैंबर साहब को बाहर भेजा जाए बाहर छड़ के आ जाए मैं मार्शल को हुक्म दिना कि मैंबर साहब को बाहर छड़ के आ जाए हंकार है जी हंकार है मैंबर साहब को बेनती है कि आपका बाहर चले जा राणा इंद्र प्रताप सिंह को बेनती है कि बाहर चले जा हो गया जी मैं एक्शन ले लिया मैं एक्शन जो भी सदन की आज्ञा तो बिना बोलिया गया और रिकॉर्ड ना किया जाए जो भी केयर की आज्ञा तो बिना बोलिया गया है वो रिकॉर्ड ना किया जाए मैं मैंबर साहबान को बेनती करता कि मैंबर साहब तुम भी बैठो मानयोग मुख्यमंत्री साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी मैं गल कर रहा सी कि जदों पंजाब तो कुछ चाहिए होंदा देश नू वो लै लिया जांदा ते बाद दे विच जदों पूरा हो जांदा तां पंजाब दे हक मार ले जांदे सो असी अज पंजाब दे हक्कां बारे ये जिहड़ा रेजोल्यूशन लेके आए हैं कल चंडीगढ़ का नहीं इस बीबीएमबी भी है इहदे विच होर भी बहुत सारे ने भविख दे विच आने वाले भविख दे विच बहुत सारिया
उन्हां दीआं होर भी बहुत खतरनाक योजनावां ने। जिस तरह दिल्ली है, दिल्ली दे विच कह दिता गया कि जिहड़ी चुनी हुई है उहनूं सरकार नहीं कहा जाऊगा, एल जी नूं सरकार कहा जाऊगा। फिर तुसीं दिल्ली च वोटां क्यों पाईआं बई? दिल्ली दे विच कोई काम करना होवे एल जी तो परमिशन लो। मुख्यमंत्री की कोई उत्थे मतलब चल नहीं रही, उत्थे बुक्कत नहीं रखी। कारण की? सरकार होर पार्टी की बन गई। इदां ही बंगाल दे विच इन्हां ने किया, सीबीआई नित जाती है। इदां ही बॉम्बे दे विच ये करते हैं। जिथे जिथे इन्हां दी सरकार नहीं बनी, इहदा मतलब देश का हिस्सा नहीं। जिथे जिथे बीजेपी नहीं चुनी गई, इहदा मतलब देश का हिस्सा नहीं हो। पंजाब ने बिजली मंगी एक्स्ट्रा सेंट्रल पूल चों, कहिंदे नो, हरियाणे नूं देती। दिल्ली ने हाईकोर्ट जाके रोक लवाई है कल। मतलब दूजे पासे प्रधानमंत्री जी कहिंदे ने सबका विकास सबका साथ। कित्थे साथ साडा जी? ना साडा साथ दिंदे हो, ना साडा साथ लैंदे हो। सो पंजाब गुरुआं दे नां ते बसदा है। बहुत सारे आ गए जिहड़े पंजाब नूं ऐ कर देंगे वो कर देंगे, पर पंजाब नहीं। पंजाब च दोबारा उगण दी शक्ति है। सो जिन्ना ये धक्का हो रहा है, असी सख्त शब्दों से यदि निखेधी करते हैं। और आने वाले दिनों सेंटर तो टाइम लिया जाऊगा, जिस तरह बाजवा साहब ने कहा सीगा। होम मिनिस्टर तो टाइम लवेंगे, प्रधानमंत्री तो टाइम लवेंगे, राष्ट्रपति तो टाइम लवेंगे। और पंजाब का पक्ष जोड़ा जबरदस्त तरीके रखा जाऊगा। मैं कोई पास की नहीं गल करता कि इन्हों ने नहीं रखा उदों, इन्होंने आ करता से उदों। पास्ट इज पास्ट, ईवन गॉड कांट चेंज पास्ट। जो लंघ गया समय तो रब भी नहीं बदल सकता। आने वाले समय की गल करिए कि आपने पंजाब नूं दोबारे पंजाब किवें बनाउणा है, क्योंकि हालात ये हो गए कि जिहड़ी सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट ने डिफेंस मिनिस्टर नूं लिख के दिता है कि साडे कोल पंजाब दे विचों भर्ती पूरी नहीं हो रही, जिहड़े मुंडे टैसट पास कर जाण सानूं होर कम्यूनिटीज़ दे विचों अपनी नफरी पूरी करन वास्ते इजाजत दित्ती जावे। आ पंजाब बनाता साडा। ड्रग्स आउंदे ने, अच्छा अच्छा चलो मनदे आ कि बॉर्डर तो पार आउंदे ने, बॉर्डर पार तो आउंदे ने। साडे नालों 2.5 गुणा वड्डा बॉर्डर रास्ता आंदा, उत्थे तां कोई चिट्टा खांदा देखे नहीं। जम्मू कश्मीर च अद्धे तो वध बॉर्डर ते पार ही होणी, जम्मू कश्मीर दा मुंडा तां कोई चिट्टे देखे नहीं गया। इत्थे ही बनदा जी, इत्थे ही बनदा। इत्थों वाले ने बड़ी जल्दी पब्लिक के सामने किए जाएंगे। जिन्होंने नसलकुशी की है, पंजाब की नसलकुशी की है, अज जिहड़ा पंजाब है उन्होंने फतवा बहुत वड्डा दिता साडी पार्टी नूं। असी मैं पहले दिन भी यही बोले, असी हंकार नहीं करते, असी विरोधी दल नूं नाल लेके चलांगे। अज भी जे साडे पंज बोले तो छे बोले, तुहाडे मिलूगा टाइम, खुल के बोलो। पर हाँ, इदा ना बोलो कि तुहानू बाहर कढ़ना पवे, विषय तो बोलो। जिद्दे जम्मू कटड़ा जिहड़ा मेरे अपने हल्के विच दी लंघदा उह हाईवे, उह ते बहस होई, खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी विषय नूं मैं अनटच नहीं छड्डूंगा, मैं किसी विषय नूं अनटच नहीं छड्डूंगा। ईवन छोटे छोटे तुहाडे मसले, छोटे छोटे मसले भी, कोई लिंक रोड का कोई, वह भी इत्थे बोलो, जीरो जीरो च बोलो। प्राइवेट मैंबर बिल लैके आओ, तुहानूं बकायदा जवाब मिलेगा। सरकार चलावांगे, सरकार सानूं चलाउणी आउंदी है। पहले कहिंदे रहे ना, तां जिहड़े कहिंदे सी स्टेज चलाउणा ते स्टेट चलाउणा डिफरेंट गल हुंदी है, वह फिर ना स्टेज जोगे रहे ने, ना स्टेट जोगे रहे ने। जिहड़े कहिंदे सी आपदे नां दा मॉडल, पंजाब दा मॉडल नहीं, आपदे नां दा मॉडल, क्योंकि प्रगट साहब ने कहा सीगा कि जिहड़ा जिहड़े गलत कीता काम उहनूं ठोको। मैं हुण किवें दस्सां, ठोको वाला तां आए ही नहीं इत्थे।
जो गल गल से कहें ठोको ताली ठोको ताली। यह वक्त है, वक्त बहुत वड्डी चीज है। यह वक्त यह राजियां तो भीख मंगा दिंदा है, यह वक्त यह भिखारियों के सिर पर ताज टका दिंदा है। यह वक्त बैठ 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 मैच खत्म हो गया हूं, कांग्रेस का मैच खत्म हो गया बहन जी हूं। नहीं उदों जो ठोको करना नहीं सी। तो मेरा मतलब यह है कि वक्त बहुत वड्डी चीज है, डर के रहिए वक्त तो। किसी शायर ने लिखा है कि हुकूमत वो करते हैं जिनके जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये कोई कोई फोटो छपाउण नाल, कोई पानी दी टंकियां ते फोटो लवाउण नाल, कोई जां कोई साइकलां दी टोकरियां ते फोटो लवाउण नाल, चैन कवर ते फोटो लवाउण नाल नहीं कोई बनदा हरमन प्यारा। उहदे वास्ते काम करना पैंदा, लोकां दे विच वड़ना पैंदा, करियर छड्डणे पैंदे है, ठीक है ना। सो लोगों लिए कुछ छड्डना पैंदा जी, तां करके लोग तुहानूं प्यार करदे है कि हाँ यार कुछ छड्डिया साडे लई। सो दो दो तीन तीन बेड़ियां वाले नहीं लोग लाइक करते, हाँ एक अद्धी वारी तुक्का लग जांदा। तो मैं यही कहना कि सेंटर सरकार को साढ़े भी उत्थे अठ हो गए ने राज्यसभा दे विच, जल्दी दो होर आ रहे हैं दस हो जाएंगे, जल्दी संगरूर की बाई इलेक्शन भी आजू, वह भी राज्यसभा तो भंग हुई हैं ग्यारह हो जाएंगे। क्योंकि उत्थे तुसी जो देखे से ग्यारह का मतलब ग्यारह दो एक 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 ते दो ग्यारह है जी। ते मैं पंजाब नू तुहाडे जरिए पंजाबियों पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों ये शोरटी गरंटी दिना कि पंजाब दे हक्कां लई मेरी सरकार जिहड़ी है वह कदे भी पासा नहीं बटूगी, कदे भी कोई नकाब मूँह ते नहीं पाऊगी अगे अंदरों होर बाहरों होर। कदे भी पंजाब दे हक्कां लई असीं कोई दोगली नीति नहीं अपनावांगे, जो करांगे दस के करांगे और डंके दी चोट ते करांगे, जो करांगे पंजाब नूं। उहदे वास्ते कोई गुस्से होवे, कोई गिले होवे, किसे दी कोई हित मरदे होण, किसे नूं कोई घाटा पैंदा होवे, वी डोंट केयर। आ सानूं कोई फर्क नहीं दा, जो घाटा हुण तक पंजाब नूं पिआ वह पूरा करना है। पहलां तां पंजाब दे लोकां नूं पिआ जिहड़ा घाटा वह पूरा करना है। आ जिहड़ियां हुण साडियां जेबां ते डाकी ने साडे मुलाजमां दे, जिहड़े चंडीगढ़ दे मुलाजम होणगे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते ने, असीं तां पक्के करन दा लै आवांगे अगली वार अपने सभा दे विच। इह ते फिर ओह तां रहि गए फिर उत्थों, ओह हड़ताल भी कर रहे ने, उहनां नूं तां फिर पता ही नहीं किहड़े पासे रख्या जो कदों कढ दित्ता जाऊगा। ते उत्थे जिथे मतलब नीले रंग दा पाणी ओह सतलुज जिथों निकलदा है, जिहड़े सतलुज दा पाणी लै के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत प्यार किया, उन्होंने पानियों पर भी साडा हक नहीं होना। जुल्मां दे खिलाफ लड़न वाली धरती है, उत्थों भी साडे हक खोए जा रहे हैं। सो इस करके पंजाब पंजाबीयत लई जो कुछ भी करना पऊगा, चाहे वह विधानसभा दे विच, चाहे बाहर, चाहे दिल्ली, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट के बाहर, जिथे भी लड़ाई लड़नी पई लड़ांगे। क्योंकि जिहड़ा पंजाब है वह देश का सरमौर सूबा बनाना है। पहला हुंदा सी, पहला लोग पंजाब वाल देखते होंगे सी, जदों सिलेबस दे विच यार सवाल आउंदा सी कि पंजाब का देश का सब तो खुशहाल सूबा कौन है, उहदा सही जवाब हुंदा सी पंजाब। ते अज असीं कितें नेड़े तेड़े भी नहीं रहे, बहुत सारियां अलामतां साडे पंजाब नूं पै निकलियां, उहनां नूं उहनां संगलियां चों ना जिहड़ियां साडे ते जरीबां पै गईयां उहनां नूं तोड़ांगे, और तोड़ के पंजाब नूं दुबारा फिर गिद्धे भंगड़े छिंझां कुश्तियां कबड्डियां जरनैलां और शायरां ते कलाकारां दा और हसदे मारदा दवामे जट मेले आ गया वह गल्लां पूरियां करन वाले किसानां दा पंजाब बनावांगे। व्यापारी खुश होवे, दुकानदार छोटा खुश होवे, जो बंदा भी जो काम करदा वह घर आके अपने परिवार नाल रोटी खावे ते सुखी वसे, ते सानू असी अक्सर पढ़ते हैं दुआबे तो खास तौर पर, हम तो हमारे मालवे भी हो गया, हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा हुआ है जी आस्ट्रेलिया जाने लिए मिलो,
हर तीजी बिल्डिंग से लिखा है न्यूजीलैंड वाले इधर आ जाओ, हर तीजी बिल्डिंग से लिखा है कनेडा जाने वास्ते इतने प्रबंध किया जाता है। कदे किसी ने नहीं लिखा कि पंजाब सुखी रहने लिए मिलो, ये गल मैं कहना कि सुखी रहने लिए सानू मिलो, असी उन्होंने सुखी बसावांगे, असी उन्होंने ऐथे रखांगे, ब्रेन ड्रेन खत्म करांगे, चंगे चंगे दिमाग जिहड़े बाहर चले गए उन्होंने भी बेनती करांगे आओ अपना घर ठीक करिए, आओ आपां सैल्फ डिपेंडेंट आ, पंजाब तां रोटी खवाउंदा रहा सारे मुल्क नूं, हुण सानूं पता नहीं क्यों हाथ चन्ने ठूठे फड़ाते, गलत नीतियां कोई रह गईआं पुराणीआं। सो इस करके मैं यही बेनती करदा कि इस प्रस्ताव नूं सर्वसम्मति नाल पास किया जाए तां कि असी तकड़े हो के पावरफुल तरीके नाल असी जिहड़ा सेंटर कोले ये जिहड़ा मसला है उन्हें लैके जा सकी। मैं सारे हाउस में बेनती करदा कि धन्यवाद सीएम साहब। हुण मैं मता सदन की वोटिंग लिए रखदा हाँ। प्रश्न है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के द्वारा पंजाब का पुनर्गठन